नमस्कार दोस्तों, आसान शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि विगत परीक्षा में पूछे गए हैं और जिनकी पूरी संभावना है कि आने वाले परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने 125 प्रश्न किए हैं, आज हम लोग 126वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी तक आपने इन 125 प्रश्नों को नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इन 25 क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न आज की क्लास का है, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? यह कथन बार्कर का है। और बार्कर ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि व्यक्तियों ने आपसी हितों के लिए राज्य में छोटे छोटे समूह बना लिए हैं। ठीक है, 127 क्वेश्चन देखिए। तो 127 क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर है आपका भूमंडलीकरण, इसको भूमंडलीकरण कह दीजिए, ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। 128 क्वेश्चन को देखते हैं, 128वां क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब देखिए 128वां प्रश्न क्या है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा विचारक सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इन कथनों को पढ़ेंगे ये सब गलत है। यहाँ पर मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार की बात किसने की है? प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे तो करेक्ट पूछा है, लेकिन आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार की बात किसने की है, तो आप हमेशा याद रखेंगे जॉन लॉक ने की है। ठीक है, और यहां से किस तरीके का प्रश्न बन सकता है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए जॉन लॉक ने तीन प्राकृतिक अधिकार की बात की है। ठीक है, थ्री राइट्स की बात की है जॉन लॉक ने, और वो तीन अधिकार क्या है? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। तो अब आप याद रखिएगा कि प्राकृतिक अधिकार की बात किस विचारक ने की है? मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार की बात जॉन लॉक ने की है। और वो तीन प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इतना क्लियर हो गया होगा। अब 129 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? देखिए इसका मतलब इस ऑप्शन में चार ऐसे ऑप्शन दिए हैं जिसमें से तीन जो हैं वो आपका जीवन दिया है, स्वतंत्रता दिया है और संपत्ति दिया है। इसमें से कोई एक ऐसा है जो कि इन तीनों में नहीं है। तो आप देखिए जीवन का अधिकार की बात जॉन लॉक ने की है प्राकृतिक अधिकार में, धर्म के अधिकार की बात जॉन लॉक ने नहीं की है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा क्लास आपको अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहाँ पे अगर आप सी और डी अधिक देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे देख लीजिए स्वतंत्रता का अधिकार जॉन लॉक ने बात किया है, संपत्ति के अधिकार की भी जॉन लॉक ने बात की है। ये दोनों आपके प्राकृतिक अधिकार में आते हैं। 130वां प्रश्न देखिए, 130 प्रश्न देखिए। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल प्राकृतिक अधिकार। ठीक है, प्राकृतिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था, ये चीज आप याद रखिएगा। 131 क्वेश्चन देखिए, यहां पे क्या है, इसमें है आपका राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन किसका है? फिर से मैं रिपीट करूंगी क्लास, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर दिया है आपका राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, या स्टेटमेंट किसका है, या कथन किसका है? तो यह कथन मैकाइवर का है। अगर आपने इस प्रश्न को पहली बार पढ़ा है तो कहीं पे भी आप जहां नोट डाउन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहां पे नोट डाउन कर लीजिएगा। पीजीटी 2004 का ये प्रश्न है, पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में भी ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा आप, मॉडर्न स्टेट जो है वो किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो इसके रचयिता जो हैं वो आपके मैकाइवर हैं, और मैकाइवर ने मॉडर्न स्टेट में ही लिखा है कि राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा आप मॉडर्न स्टेट में। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, 131 प्रश्न तक हम लोग देख लिए, अब 132 क्वेश्चन को हम देखते हैं। 132 क्वेश्चन क्या है? लास्की के अनुसार राज्य है, तो लास्की के अनुसार
राज्य है समाज का सेवक, ठीक है। लास्की क्या मानते हैं, राज्य जो है वो समाज की सेवा के लिए है। अब 133rd क्वेश्चन देखते हैं। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, ठीक है। एक बार फिर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ती हूँ, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, ये स्टेटमेंट भी मैकाइवर के द्वारा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे इस पूरे पेज में हमने मैकाइवर से रिलेटेड दो प्रश्न पढ़े। दोनों प्रश्नों को आप याद रखिएगा। एक मैकाइवर में हमने पढ़ा है राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, ठीक है। पहला ये हमने पढ़ा, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, मैकाइवर के द्वारा। मॉडर्न स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है, मैकाइवर के द्वारा। और किसने कहा है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, ये किसने कहा है, ये भी मैकाइवर ने का स्टेटमेंट है। चलिए अब यही देखिए, 134th क्वेश्चन आपका फिर रिपीट हुआ है। किसने कहा है रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, मैकाइवर ने कहा है। सेम क्वेश्चन आप देख रहे हैं, UPGIC में पूछा है, TGT में पूछा है, PGT में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उत्तर क्या होगा, मैकाइवर होगा। क्लास जितनी बार प्रश्नों को मैं पढ़ रही हूँ उतनी बार आप भी पढ़िए, इसके पीछे एक पर्पस है। जब भी हम चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती जाती है। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि मैम एक ही क्वेश्चन को 10 बार क्यों रिपीट कर रही हैं। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि एक तरीके का प्रश्न कैसे कैसे अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, साथ ही साथ वो क्वेश्चन आपको रट भी जाए, याद भी हो जाए, और अगर परीक्षा में पूछे तो गलत ना हो। फिर देखिए वही 136th क्वेश्चन को देखिए, वही सेम क्वेश्चन। रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है, मैकाइवर द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है। अच्छा, मातृक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था कौन है, परिवार का प्रमुख कौन है, सबसे बड़ी महिला सदस्य, क्योंकि यहाँ पे मातृक समाज की बात की गई है, मातृक सिद्धांत की बात की गई है, ठीक है। माता मतलब फीमेल्स की बात की जा रही है, जब पितृत्वात्मक समाज की बात करते हैं तो वहां पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की हम बात करते हैं। चलिए अब हम लोग 138th क्वेश्चन को देखते हैं। जरा एक बार आप 138th क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, मैं भी आपके लिए पढ़ दूंगी, लेकिन आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके इसको पढ़िएगा। 138th क्वेश्चन है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे क्या कहा है कि राज्य के जो कार्य हैं उसको ट्रेडिशनल विचारधारा से अगर हम देखें, परंपरागत विचारधारा से अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो उसके कार्य हैं उसको अनिवार्य कार्य में तथा ऐच्छिक कार्य में दो भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में, राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त हो गया है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं, ठीक है। ये किस चीज से रिलेटेड है, ये आपका लोक कल्याणकारी राज्य से रिलेटेड है, हमने आपको बताया है वेलफेयर स्टेट से। तो जब हम ट्रेडिशनल उसमें देखते हैं, जब हम परंपरागत विचारधारा में देखते हैं, तो राज्य का कार्य दो भागों में बटा था, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य में। लेकिन वर्तमान समय में हर कार्य आपका अनिवार्य कार्य में आता है। ये धारणा किस चीज से रिलेटेड है, लोक कल्याणकारी राज्य से, वेलफेयर स्टेट से। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये TGT 2003 में पूछा गया प्रश्न है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं क्लास। 139th क्वेश्चन, 139th क्वेश्चन क्या है आपका, आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं किस तरीके से, तो एक कल्याण राज्य की तरह, वेलफेयर स्टेट की तरह। 140th क्वेश्चन देखिए, 140वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है, पूछा गया है। अब देखिए, भूमि है, जनसंख्या है, संप्रभुता है, मैंने आपको बताया था प्रजातंत्र नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था और आपसे कहा भी था कि याद कर लीजिएगा, थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। गार्डनर के अनुसार राज्य के चार अनिवार्य अंग है, जिसमें पहला जनसंख्या है, दूसरा भूखंड है, तीसरा शासन तंत्र है और चौथा
संप्रभुता है। तो हो सकता है आने वाले परीक्षा में आपसे पूछ ले किस विचारक के अनुसार राज्य के चार अनिवार्य अंग है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि राज्य के चार अनिवार्य अंग में से कौन सा अंग नहीं है, जैसे कि पीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे मैम ने पॉपुलेशन बताया था, ठीक है, मैम ने शासन तंत्र की बात की थी, ठीक है, संप्रभुता की बात की थी, भूखंड की बात की थी, इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब आगे के प्रश्न हम देखते हैं। 141 प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। फिर वही प्रश्न देखिए, तो सरकार है, भूभाग है, संप्रभुता है, कानून नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। 142 क्वेश्चन भी सेम है, निम्न में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है, धर्म राज का तत्व नहीं है, जनसंख्या भी है, भूभाग भी है, संप्रभुता भी है और सरकार है, ठीक है। 143 क्वेश्चन देखिए आप, फिर वही प्रश्न कि किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे है आपका संप्रभुता, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। ये देखिए गार्नर की इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल साइंस के अनुसार जो प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, अन्य किसी की इच्छा से नहीं, क्योंकि अन्य शक्ति उसकी अपनी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। देखा आपने, तो किस तरीके से यहाँ पे गार्नर ने बोला है। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, अब पूछा जा सकता है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस किसकी पुस्तक है, तो गार्नर की पुस्तक है, ठीक है। अब 144 क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ग तो क्लास आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।